हाय गाइस, मैं हूं अमन गुप्ता एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम आ गए हैं टाटा के शोरूम पे, टाटा की एक ईवी कार का शूट करने। तो टाटा का सबसे मतलब जो इंडिया में सबसे पहले ईवी कार लॉन्च हुई थी, टाटा नेक्सॉन हुई थी, उसी का एक अपडेटेड वर्जन लॉन्च हुआ था, टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स, जो एक हायर ड्राइव रेंज के साथ में आपको ऑफर किया जाता है। तो उसी का आज हम ओवरऑल एक रिव्यू वीडियो शूट करेंगे। तो वीडियो को जरूर से जरूर पूरा देखिएगा, कितना प्राइस रेंज, क्या प्राइस रेंज पे वो गाड़ी आपको ऑफर की जाती है, क्या ड्राइव रेंज आपको ऑफर करती है, इज इट वर्थ टू बाय, मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा। तो वीडियो को जरूर से जरूर पूरा देखिएगा। तो बने रहिए वीडियो पे, मिलते हैं गाड़ी के साथ में। A few minutes later. तो ये हमारे साथ आज टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स। ईवी मैक्स एक जो टाटा नेक्सॉन ईवी आता था उसका एक अपग्रेडेड वेरिएंट है जो आपको ज़्यादा ड्राइव रेंज ऑफर करता है। तो ईवी मैक्स के अगर प्राइजेस की बात करें तो इसका XM 3.3 किलोवाट जो बेस वेरिएंट आता है वो 16.49 लाख एक्स शोरूम प्राइस से स्टार्ट होता है। इसमें आपको बहुत सारे वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं जिसमें आपको अलग अलग ड्राइव रेंज तो सभी में सेम मिलता है। जो आपका बेस वेरिएंट है वो भी आपको ऑफर करता है ड्राइव रेंज की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको ऑफर करता है 437 किलोमीटर का ड्राइव रेंज। तो अगर इसके मैं टॉप मॉडल की बात करूँ जो आता है XZ प्लस लग्जरी एडिशन 7.2 किलोवाट फास्ट चार्जिंग जेट एडिशन के साथ में, तो वो आपको कॉस्ट करता है 20.04 लाख एक्स शोरूम प्राइस। तो इसके बीच में भी आपको करीब करीब 6 वेरिएंट्स और देखने को मिल जाते हैं, बट सभी का जो ड्राइव रेंज है वो आपका 437 किलोमीटर्स का ही निकल के आता है। क्योंकि ईवी जो मैक्स लॉन्च किया गया था वो सभी जितने भी वेरिएंट्स हैं सब में कुछ फीचर्स वगैरह का डिफरेंस है, किसी में फास्ट चार्जर्स हैं, किसी में फास्ट चार्जर्स नहीं है, तो फीचर्स वाइज थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है, बाकी ड्राइव रेंज आपको सब ईवी मैक्स में सभी मॉडल्स में सेम देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं इस मॉडल के फीचर्स की। तो कुछ ऐसे फ्रंट प्रोफाइल के साथ में गाड़ी नज़र आती है। गाड़ी का डिज़ाइन, लुक्स, ओवरऑल सभी चीज़ें सेम है। गाड़ी का जो डिज़ाइन है एग्जैक्ट आपका जो नॉर्मल नेक्सॉन आती है, नेक्सॉन ईवी आती है, सभी के जैसा सेम एग्जैक्ट डिज़ाइन है। सेंटर में आपको भाई टाटा का लोगो मिल जाता है, ईवी है तो इसमें ग्रिल आपको क्लोज देखने को मिल जाता है। फ्रंट में ही आपको ईवी का बैजिंग देखने को मिल जाता है। ऑल LED हेडलैम्प्स आपको देखने को मिल जाते हैं, DRLs मिल जाते हैं। नीचे की साइड आपको फॉग लैम्प देखने को मिल जाता है। जो इसका सिग्नेचर ईवी का कलर निकाला था टाटा ने डार्क ब्लू कलर में, और जो ये स्ट्रिप्स दिए थे बहुत ही प्यारे ट्रायरो डिज़ाइन में, जो ये कलर कॉम्बिनेशन दिया है बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में। गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस तरह का साइड प्रोफाइल निकल के आ जाता है। एग्जैक्ट सेम डिज़ाइन आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है। साइड इंडिकेटर आपको ORVMs पे देखने को मिल जाते हैं। साइड में भी आपको ईवी का बैजिंग देखने को मिलता है। टायर प्रोफाइल की बात करें तो वही ऑल आपको जेट ब्लैक एडिशन में आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, डायमंड कट जिसपे सिल्वर का फिनिशिंग देखने को मिलता है। टायर साइज की बात करें तो 215/60R16 का टायर साइज इसमें आपको देखने को मिल जाता है। पैसेंजर साइड गेट पे आपको कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है।
चार्जिंग स्लॉट आपको लेफ्ट हैंड साइड पे देखने को मिल जाता है, जहाँ नॉर्मल गाड़ी में फ्यूल कैप आता है जो आपका पेट्रोल डीजल फिलिंग के लिए आता है, इसमें वही आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। ऊपर की साइड आपको रूफ माउंटेड रेल्स रूफ रेल्स देखने को मिल जाती है, शार्क फिन एंटीना पीछे की साइड मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको मिल जाता है, पीछे की साइड आपको डिफॉगर एंड वाइपर मिल जाता है। रियर प्रोफाइल की बात करें तो सेंटर में टाटा का लोगो है, राइट हैंड साइड पे ईवी का बैजिंग है, लेफ्ट हैंड साइड पे ज़िप्ट्रॉन का बैजिंग है, सेंटर में आपको नेक्सन का बैजिंग देखने को मिल जाता है। टेल लैंप्स की बात करें तो वो भी ट्राई एरो पैटर्न में आपको रियर टेल लैंप्स देखने को मिल जाते हैं, नीचे की साइड आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, एक रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है एंड दो रिवर्स पार्किंग सेंसर के साथ ये गाड़ी ऑफर की जाती है। ड्राइवर साइड की बात करें तो ड्राइवर साइड गेट पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है। इंटीरियर की बात करें तो ड्राइवर साइड गेट पे आपको ऑल फोर पावर विंडो कंट्रोल मिल जाते हैं, सेंटर लॉकिंग अनलॉकिंग मिल जाता है, एक स्पीकर और एक ट्विटर यहाँ पे मिल जाता है, नीचे की साइड बॉटल होल्डर एंड यहाँ पे आपको साइड में एक अम्ब्रेला होल्डर मिल जाता है। ओआरवी में एडजस्टेबल्स आपको कंट्रोल यहाँ पे मिल जाते हैं। ड्राइवर सीट की बात करें तो ड्राइवर सीट आपको हाइट एडजस्टमेंट के साथ में मिल जाती है। खिड़की की बात करें तो वही आपको टाटा का सेम की देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको लॉक अनलॉक होल्ड के साथ बूट ओपन एंड होल्ड के साथ आपको फाइंड मी का ऑप्शन मिल जाता है। स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो कुछ इस तरह का स्टेयरिंग व्हील जो सभी आपको टाटा की गाड़ी में सेम सा स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलता है, उसी तरह का स्टेयरिंग व्हील मिलता है। इस पर ये जो डिजाइनिंग दी गई है ब्लू एलिमेंट से जो स्टिचिंग दी गई है देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। सेंटर में टाटा का लोगो है, लेफ्ट हैंड साइड पे मीडिया कंट्रोल्स हैं, राइट हैंड साइड पे आपको क्रूज कंट्रोल्स मिल जाते हैं। गाड़ी में आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिल जाता है, स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहाँ पे मिलता है, ब्रेक प्रेस करेंगे तो ये इसमें गियर नहीं आते हैं तो ब्रेक प्रेस करेंगे तो आप स्टार्ट स्टॉप का बटन दबाएंगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नज़र होता है स्टार्ट होने पे। गाड़ी के एसी वेंट्स की बात करें तो कुछ इस तरह का एसी वेंट्स का डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको ब्लैक एंड ब्लू के साथ में स्टिचिंग जो आपको फिनिशिंग देखने को मिलती है ब्लैक और ब्लू की, ब्लू एलिमेंट्स जो आपको इस गाड़ी में दिया गया है वो बहुत ही ज़्यादा देखने में सुंदर लगता है। यहाँ पे भी सेंटर में भी आपको नेक्सॉन का बैजिंग देखने को मिल जाता है, नीचे की साइड में आपको एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं, नीचे की साइड में आपको एक 12 वाट का सॉकेट मिल जाता है, एक यूएसबी सॉकेट मिल जाता है, ये आपको बड़ा ही प्रीमियम सा दिखने वाला गियर नॉब इसमें देखने को मिल जाता है। गियर नॉब की बात करें तो बहुत ही सिंपल है, PRND पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल एंड ड्राइव, बहुत ही अच्छा प्रीमियम सा फिनिशिंग के साथ में हाथ में फील करने में बहुत ही अच्छा प्रीमियम सा आपको गियर नॉब देखने को मिल जाता है। आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, पीछे की साइड आपको एक आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है छोटे से स्टोरेज के साथ में। सनशेड्स की बात करें तो ड्राइवर साइड सनशेड में आपको सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है, IRVM की बात करें तो आपको मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ में IRVM मिल जाता है, पैसेंजर साइड सनशेड पे आपको वैनिटी मिरर मिलता है बट इसमें कोई लाइट नहीं मिलती है, यहाँ पे आप छोटा सा एक सनग्लासेस होल्डर मिल जाता है, केबिन लाइट्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। पैसेंजर साइड गेट की बात करें तो उसमें भी आपको एक बॉटल होल्डर अम्ब्रेला होल्डर छोटा सा स्टोरेज मिल जाता है, पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। चलिए बात करते हैं गाड़ी के कुछ फीचर्स की। गाड़ी के एसी की बात की जाए तो एसी आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में एसी देखने को मिल जाता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको अडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ में मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए तो स्टीयरिंग व्हील आपको एडजस्टमेंट तो मिलता है इसमें आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इस गाड़ी में आपको ऑफर नहीं किया जाता है। गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको एनालॉग एंड डिजिटल दोनों के साथ में मिलता है, जिसमें आपको स्पीड मीटर एनालॉग में देखने को मिलता है और बाकी आपको एक छोटा सा LED डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको आपको ड्राइव रेंज ट्रिप बाकी सारी चीज़ आप देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी, लो बैटरी वार्निंग, बाकी सारी गियर इंडिकेटर, शिफ्ट इंडिकेटर, टैकोमीटर सारी चीज़ें आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिल जाती है। इसके मीडिया इंफोटेनमेंट कंट्रोल की बात की जाए तो एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ में ये आपको देखने को मिल जाता है। 7 inches का टच स्क्रीन सिस्टम इस गाड़ी में ऑफर किया गया है विद 8 स्पीकर सिस्टम, जो इसमें हार्मन का स्पीकर सिस्टम, इसमें आपको टाटा की मोस्टली सभी गाड़ियों में हार्मन का स्पीकर सिस्टम देखने को मिल जाता है, सेम इसमें भी आपको वही ऑफर किया जाता है। गियर नॉब के पास आपको ड्राइव मोड्स देखने को मिल जाते हैं, ये स्पोर्ट्स मोड है, ये इको मोड है, दो तरह के आपको इसमें ड्राइव मोड ऑफर किए जाते हैं इस गाड़ी में। चलिए चलते हैं पीछे रियर सीट स्पेस की बात करते हैं। गाड़ी के रियर सीट स्पेस की बात की जाए तो रियर सीट में भी आपको अच्छा खासा लुक देखने को मिल रहा है, जिससे कि 3 लोग आसानी से इस गाड़ी के रियर सीट्स पे बैठ सकते हैं। रियर में भी आपको एसी वेंट्स ऑफर किए जाते हैं, जो कि एक अच्छा फीचर्स है इलेक्ट्रिक गाड़ी में, आपको एसी वेंट्स रियर में ऑफर किए जाते हैं। रियर साइड गेट की बात की जाए तो उसमें आपको पावर विंडो कंट्रोल मिल जाते हैं, एक स्पीकर, एक ट्विटर और बॉटल होल्डर मिल जाता है आपको।
रियर सीट्स का विड्थ भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, और रियर सीट्स में भी आपको दो हेडरेस्ट मिल जाते हैं, सेंटर वाले के लिए हेडरेस्ट नहीं मिलता है। बीच में आपको एक आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स मिल जाता है, ये पैक है, इसके लिए मैं भी इसको ओपन नहीं कर सकता हूँ। पीछे की साइड में आपको पार्सल ट्रे देखने को मिल जाती है। ग्रैब हैंडल की बात करें तो आपको तीन साइड आपको ग्रैब हैंडल ऑफर किए जाते हैं, ग्रैब हैंडल्स में आपको हुक देखने को मिल जाता है। पीछे देखने में आगे का लुक अच्छा डिज़ाइन किया हुआ लगता है, दिखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को पर्सनली। अगर मैं कंपेयर करूँ XUV 400 के कंपैरिजन में इसका लुक ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि XUV 400 में जो उन्होंने इन्फोटेनमेंट यूनिट दिया है बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा, बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड सा लगता है, तो ये गाड़ी दिखने में कंपेरेटिवली उसके ज़्यादा अच्छी है। बात करें टाटा नेक्सॉन ईवी के अपन डायमेंशंस की, तो जो इसका टाटा नेक्सॉन ईवी का लेंथ है 3993 का आपको लेंथ मिल जाता है। गाड़ी की हाइट की बात करें तो 1616 1616 का हाइट मिल जाता है। विड्थ की बात की जाए तो 1811 का आपको विड्थ मिल जाता है। गाड़ी की व्हील बेस की बात करी जाए तो 2498 का आपको व्हील बेस देखने को मिल जाता है। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 205 mm का आपको गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। गाड़ी का कर्व वेट की बात करें तो 1400 kg का आपको कर्व वेट इस गाड़ी का देखने को मिलता है। गाड़ी आपको 5 door and 5 person सीटिंग कैपेसिटी के साथ में मिल जाती है। चलिए बात करते हैं गाड़ी के बूट स्पेस। बूट ओपन करने के लिए आपको इसमें रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, आप इसको प्रेस करेंगे तो आप इसको बूट को पीछे से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बूट में आपको पार्सल ट्रे ऑफर की जाती है। बूट स्पेस की बात की जाए तो 350 liter का आपको इसमें बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। ये आपका अपना चार्जिंग डैक हो गया है, नीचे इसमें आपको टूल्स मिल जाते हैं। तो इसके नीचे की साइड की बात की जाए तो नीचे आपको स्पेयर व्हील देखने को मिल जाता है। स्पेयर व्हील के साइज की बात की जाए तो स्पेयर व्हील आपको स्टील रिम में मिलता है, स्पेयर व्हील आपको अलॉय में नहीं दिया जाता है, बट इसका साइज सेम है 215/60 R16 का आपको स्पेयर व्हील देखने को मिल जाता है, बट ये आपको अलॉय में नहीं दिया जाता है, आपको नॉर्मल आपको स्टील रिम में आपको ये ऑफर किया जाता है। नेक्सॉन ईवी में आपको एक बूट स्पेस में ही आपको जो बूट ओपन करते हैं ट्रंक में आपको एक लाइट देखने को मिल जाती है, एक लगेज हुक आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है, दो लगेज हुक लेफ्ट हैंड साइड है, दो लगेज हुक राइट हैंड साइड है, तो काफ़ी अच्छा फीचर है इंडियन रोड्स के हिसाब से, इंडियन लोगों के हिसाब से बहुत ही अच्छा फीचर दिया गया है आपको, लगेज हुक पीछे बूट में दिए गए हैं। बात करें गाड़ी की इंजन स्पेक्स की, इंजन स्पेक्स में बात की जाए तो गाड़ी में ना तो पेट्रोल इंजन है ना डीजल इंजन है, ये ईवी है। ईवी में आपको जो आपको फ्रंट में मोटर देखने को मिलती है और पीछे की साइड में आपको इसमें बैटरी प्लेस की जाती है। बैटरी इसमें आपको 40.5 kW 40.5 kW का लिथियम आयन बैटरी आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जो आपको ड्राइव रेंज ऑफर करता है 437 km का ड्राइव रेंज आपको ऑफर करता है। इसके पावर फीचर्स की बात की जाए तो जिसका मोटर है वो आपको 141 BHP पावर एंड 250 Nm 141 BHP पावर एंड 250 Nm का आपको टॉर्क जनरेट करके देता है। फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ में ये गाड़ी आपको ऑफर की जाती है। ब्रेकिंग की बात की जाए तो इसमें आपको फ्रंट और रियर दोनों में ही डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिल जाते हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो टाटा की गाड़ियाँ नेक्सॉन सबसे पहले मतलब जो 5-star रेटेड कार थी नेक्सॉन ही थी, और ये ईवी भी आपको सेम उसी सेगमेंट पे मिलती है, 5-star एनकैप्रेटेड आपको ईवी देखने को मिल जाती है। 2 airbags के साथ में ये गाड़ी आती है। ब्रेकिंग फीचर्स की बात की जाए तो ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, सभी तरह के ज़रूरी फीचर्स आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। ये फीचर्स मॉडल्स वाइज वेरी करते हैं, मतलब आप जो बेस वेरिएंट लेने जाएंगे उसमें आपको सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे, बट टॉप वेरिएंट लेने जाएंगे तो उसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये था टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स का ओवरऑल रिव्यू, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसमें ड्राइव रेंज और फीचर्स क्या क्या ऑफर किए जाते हैं। ड्राइव रेंज आपको इसमें सभी गाड़ियों में मतलब सभी मॉडल्स में सेम ड्राइव रेंज आपको देखने को मिल जाता है। सभी मॉडल्स में आपको सेम 437 km का आपको ईवी मैक्स का ड्राइव रेंज देखने को मिल जाता है। प्राइजेस की बात करें तो टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स जो एक बार मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूँ, जो XM बेस वेरिएंट 3.3 kW वाला आता है वो आपको 16.49 lakh एक्स शोरूम प्राइस से स्टार्ट होता है, और जो इसका टॉप मॉडल जाता है टॉप मॉडल में आपको XZ प्लस लग्जरी एडिशन मिल जाता है, जो 7.2 kW फास्ट चार्जर के साथ भी आता है, वो आपको 18.99 lakh एक्स शोरूम पड़ता है। और उसी में आप अगर जेड एडिशन लेने जाएंगे तो जेड एडिशन आपको करीब करीब अगर फास्ट चार्जिंग वाला लेने जाएंगे तो 20.04 lakh एक्स शोरूम का पड़ता है। तो ये था टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स का एक ओवरऑल रिव्यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर से दबा देना। भाई ने बोला करने का तो करने का। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।